पोको X2 स्लो मोशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने बहुत से वीडियो इंक्लूड कर दिए 120, 240 और 960 FPS। यहाँ पर अगर बात करें तो यार काफ़ी सारे लोगों को यार प्रॉब्लम होती है कि स्लो मोशन वीडियो बनाने के बाद टिकटॉक में अपलोड करना हो या फिर बैकअप लेना हो तो काफ़ी सारी जगह पर प्रॉब्लम्स मिलती है। यहाँ पर मैंने पहले जो आपको काफ़ी सारे सैंपल्स दिखाऊंगा जिसके अंदर घर के अंदर लो लाइट के अंदर या फिर फुल सनलाइट में चेहरे पर सनलाइट या फिर बैक साइड से सनलाइट, शाम के समय 5-6 बजे के आसपास, रात को इंडोर LED लाइट्स में क्या प्रॉब्लम होती है। काफ़ी सारे लोगों को ये स्क्रीन ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम लगता है कि भाई स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है, डार्क वीडियो बनता है, तो ऐसे लोग जो है पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस मोबाइल में जब आप मान लो आगे चल के साल 2 साल बाद जब चेंज करो मोबाइल, तो उस समय बैकअप लेते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है या फिर रेडमी के किस डिवाइस में किस तरह की ध्यान रखनी है स्लो मोशन वीडियो बैकअप लेते समय, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। बस वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी स्लो मोशन के रिलेटेड जितनी भी आपकी जानकारी हो वो सारी जानकारी क्वालिटी सब पता चल जाएगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अतुल डोबरिया। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
रात के समय इंडोर एलईडी लाइट्स में जब आप रात के समय सिंगल लाइट्स के अंदर वीडियोग्राफी करोगे स्लो मोशन के अंदर तो ये प्रॉब्लम होने वाली है, पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर कैमरा 120 एफपीएस पर 120 फ्रेम जो है क्लिक कर रहा है एक सेकेंड के अंदर, जहाँ पर हमारे घर की लाइट्स सिर्फ 15 एफपीएस की होती है, जो 50 एफपीएस की लाइट्स 120 के बराबर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर आपको जो लाइट्स आधी मिलती है। काफ़ी सारी लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एलईडी लाइट्स और फ्रेम्स और लाइट्स के बीच जो कनेक्शन है उसकी वजह से जो आप कैप्चर कर रहे हो पिक्चर्स उसमें इस वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस समय हम फ्लैश लाइट भी ऑन कर देते रात के समय तो आपको थोड़ी सी अच्छी पिक्चर्स मिल जाती है, तो फ्लैश लाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें, थोड़ी सी लाइट्स आपको अच्छी मिल जाएंगी इंडोर लाइट्स और फ्लैश लाइट दोनों लाइट से, जिससे आपका जो है ब्लिंकिंग का या फिर इस टाइप का जो स्नो वाला है प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। 960 एफपीएस में तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाती है पिक्चर्स, क्योंकि लाइट्स जो है हर एक फ्रेम को बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आपने देखा रात के समय इंडोर एलईडी लाइट्स में जो लाइट्स हमें मिलती है ना वो 50 बार जो है ऑन ऑफ होती है, यानी 15 हर्ट्ज पर होती है, 15 एफपीएस भी बोल सकते हो। तो वहां पर हम 120 एफपीएस के अगर हम क्लिक करने जाएंगे तो 120 बार लाइट्स जो है हर एक फोटो के अंदर चाहिए, तो उतनी लाइट्स नहीं मिल पाती, आधी लाइट्स मिल जाती है, तो 120 एफपीएस में आपको आधा ही लाइट देखने को मिल जाता है, तो 240 एफपीएस में और भी आधा मतलब एक चौथाई जो लाइट्स मिलता है, जिससे पिक्चर्स काफ़ी डार्क हो जाती है। अब बात करते हैं बैकअप की, या फिर काफ़ी सारे लोगों को ये टिकटॉक या सोशल मीडिया में शेयरिंग करते समय आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर अगर बात करें तो यार बैकअप लेते समय अपने जितने भी स्लो मोशन वीडियो है 120 और 240 एफपीएस बस ये दोनों एफपीएस वाले वीडियो को पहले इसी मोबाइल के अंदर गैलरी में ओपन करके सेव कर लो, अपने हिसाब से सिलेक्शन करके जितना स्लो चाहिए जितना फास्ट चाहिए यहाँ से एडिट कर सकते हो, स्लो करके फिर उस फाइल को ट्रांसफ़र करो टिकटॉक में हो या फिर अपने लैपटॉप में या फिर दूसरे नए मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र करते हो डेटा, तो उस समय इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखना, नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर ऐसे ही ट्रांसफ़र कर लोगे तो नॉर्मल जैसे ही 30 एफपीएस पर वीडियो जो नॉर्मल हम रिकॉर्डिंग अभी जो आप देख रहे हो कुछ ऐसी ही वीडियो जो ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी वीडियो स्लो मोशन नहीं रहेगी। दूसरी बात, यहाँ पर अगर बात करें यार नोट 8 प्रो K20 प्रो तो उसमें भी सेम ऐसी चीज़ें हैं, बस इस तरह सिलेक्शन करके सेव करके फिर फाइल ट्रांसफ़र करना। और एक ज़रूरी बात, यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो 120 और 240 एफपीएस में माइक तो सपोर्ट करता है, आपकी वॉइस भी जो इसमें इंक्लूड हो जाएगी, वॉल्यूम जो है साथ में म्यूज़िक हो या कुछ भी हो वो साथ में एडिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो स्लो बनेगी वॉइस जो है स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल के अंदर आप गैलरी से वीडियो ओपन करने के बाद सिलेक्शन करने के बाद जब आप स्लो वीडियो बन जाएगी तो आपको वॉइस नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, पहले नॉर्मल फाइल को वहाँ पर ट्रांसफ़र करके फिर स्लो करके जब आप एडिटिंग करोगे तभी आपको वॉइस जो है मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है साथ में 120 एफपीएस 240 एफपीएस में होती है वो आपको सुनने में नहीं आएगी, या फिर ध्यान रखना ये चीज़ें आपको उसके लिए स्पेशली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका वॉइस जो इसमें वॉल्यूम जो भी है साउंड जो भी है वीडियो के साथ में वही आप एडिट कर पाओगे और उसे सुन पाओगे, बाकी अदरवाइज़ इस मोबाइल के अंदर सुन नहीं पाओगे। तो चलिए आज का वीडियो मेरे ख्याल से आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया वो समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।